भाई कांग्रेचुलेशंस, आप लोग हमारे साथ में लगभग 17-18 फिल्मों से काम करते आ रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो गाना भी वैसा ही बने जैसा हम चाहते हैं। धन्यवाद। मैं देखो चांदनी जी गली है बुला लो, क्योंकि ये सबसे अच्छा समय है और मैं हमारे हीरो प्रिंस बाबू से कुछ बोलूंगा कि हमारे जिस तरह टेक्नीशियंस को एनर्जी देते रहते हैं, इनका नाम ही लगा था एनर्जी बाबू। नमस्ते प्रणाम। यहाँ पे आए हुए हमारे जितने टेक्नीशियन है, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हम लोग को ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग सेम टीम लेके दूसरी फिल्म शूट कर रहे हैं, वो 3-4 महीने के अंतराल में ना भैया। इतना अच्छा सब नरसिम्हा शूट किए, मैं आप लोग से यही उम्मीद करूँगा कि ओंकारा भी उससे ऊपर और उससे बेटर बनेंगे। थैंक यू। हमारे जो फिल्म के प्रोड्यूस कर रही है, आप लोग का शुभकामनाएं चाहिए हमारी शिखा जी के लिए। सुरेश भाई भी आ गए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है, इधर आ गए। हमें शिखा जी से बोलो कुछ कहें, अपने टीम अपने यूनिट कैसा लगा, पहली बार भोजपुरी प्रोड्यूस कर रहे हैं शायद, दूसरी बार? हाँ मैंने फर्स्ट, हाँ फर्स्ट। उनके हस्बैंड, महेंद्र भैया जी है जो बहुत अच्छे बहुत सुलझे हुए इंसान है। हम लोग 4-5 महीना बाद एक और बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आ रहे हैं। हाँ लीजिए शिखा जी अपने टीम। सबसे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आप सब लोग यहाँ पे आए थे, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग को ऐसे पैसे की टेंशन नहीं होगी, मुझे पता है कि सब लोग जो है वो अपना घर चलाने के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिस वजह से आप लोगों को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, तो आप लोगों को टाइम टू टाइम पैसे भी मिलेंगे। आप लोग खुशी खुशी काम कीजिए, दिमाग से फ्री होकर बिल्कुल काम कीजिएगा, अपना समझ के काम कीजिए और ये फिल्म बहुत अच्छी बने, ताकि हम लोग बहुत ही जल्द दोबारा इस फिल्म के खत्म होने के बाद, हो सकता है रिलीज से पहले हम लोग एक फिल्म और करें और पूरी टीम के साथ करें। तो उस स्टोरी पे सिर्फ प्रिंस जी ही मुझे, अरे डायरेक्टर वाहन है बोले हीरो है। तो प्रिंस जी जरा आइए, शायद इस प्रोडक्शन के परमानेंट हीरो बन जाएंगे। और दूसरी अपनी अभी चांदनी जी तो एक आइटम सॉन्ग कर रही हैं और अपनी हीरोइन तो रूपा जी हैं और एक हीरोइन और जल्दी ही जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल के बिहार के ठंड से यहाँ आए। हाँ
लेकिन समय निकालना बड़ी बात है ना। और मैं महेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने टीम के लिए एक एनर्जी बम ऐसा ब्लास्ट करें जिसकी आवाज में पीछे के पिक्चर कंप्लीट हो जाए हमारी। सबको मेरा प्रणाम और नमस्ते। मैं यही कहूंगा कि ये जो टीम है हमारी, हम लोग साथ में एक से एक अच्छी अच्छी फिल्में लाते रहे हैं। और सुजीत जी का जो नाम है और हमारे प्रिंस जी का जो नाम है वो हमेशा बरकरार रखे हम लोग इंडस्ट्री में। और हम चाहते हैं कि भोजपुरी में कुछ हट के करेंगे और अच्छा ही करेंगे, क्योंकि मेरी सोच और मेरी मतलब ये चाहता हूँ कि कभी भी हमारा समाज ये ना बोले कि हाँ हमने क्या बनाया है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे कभी भी फ्यूचर में, ठीक है। और बेटी को पता भी है, पता भी गाँव में हमारे इस फिल्म के राइटर हैं मिस्टर बीरू ठाकुर छोटे सरकार, तो इन्होंने हमारे साथ में भोजपुरी राजा सत्या वांटे धरकन और ग्रेट फाइटर नरसिम्हा जितने भी फिल्में आप लोगों ने देखा है सबके हमारे जुगलबंदी राइटर यंग जनरेशन के राइटर बीरू ठाकुर हैं। इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दो सब इस फिल्म के प्रति और लोगों के प्रति एक आभार प्रकट करें। थैंक यू लोकेश बाबा, आइए इधर, आप पीछे मत छिपिए महाराज, क्या बाबा इधर आइए। हमारे ग्रेट फाइटर के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिस्टर लोकेश मिश्रा प्लीज कम ऑन सेट। और कैप्टन साहब आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, लोकेश मिश्रा जी, गणपति जी का आप आए, आपकी बीसी हमारी टीम आपको धन्यवाद दे रही है। जरा हमारी इस टीम को एक बधाई दीजिए जैसे आपने नरसिम्हा में दिया था। प्रिंस भाई का फिल्म है और अगला भी नरसिम्हा हम लोग के साथ में प्रिंस भाई का, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, तो थैंक यू आप सब लोगों को। और बड़ा बड़ा बनना, सब लोग बड़े ही सीनियर हैं, मैं सबसे जूनियर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि सिन्हा जी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं। और सबसे अच्छी ये बात है ना कि एक महिला फिल्म प्रोड्यूस के बाद अब फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही है। सामने पिछले ने मुझे बहुत सारी फिल्म में डायरेक्ट किया है, तो इनके सामने प्रोड्यूसर बनी।
प्रोड्यूसर के अलावा क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्रोड्यूसर बन के बैठी हुई हूँ। वापस आप पर्दे पे दिखेंगी? थोड़ा टाइम है अभी, मैं पर्सनल लाइफ के पर्दे पे काम कर रही हूँ, तो अभी रियल लाइफ में वापस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। भोजपुरी बाहुबली अब ओमकारा बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपसे ही पूछ रहे हैं आपसे कि मेरे बात कर रहे हैं तो आपको चलिए ओमकारा बनाते हैं और एक तांडव करवाते हैं आपसे, बिकॉज आप देखने में बिल्कुल वो एंग्री यंग मैन वाले लगते हैं, तो मैंने कहा आपको एक अब एक ओमकारा का लुक देते हैं और ओमकारा बनाते हैं आपको, तो इज रेडी। आज जो है यहाँ पर जो है कि कुछ होने वाला है, कुछ किस क्या है, आइटम सॉन्ग है कि क्या है फिल्म में, क्योंकि गाना हमने भी सुना, बड़ा ही मतलब लग रहा था कि एकदम डांस कुछ अलग हटके, अलग हटके लगा, बस जहाँ शिखा मिश्रा है वहाँ अलग हटके ही होगा, जहाँ सुजीत जी हैं उसको अलग से अलग हटके बना देंगे, इसीलिए तो ये टीम है हमारे साथ। सुजीत जी से जाना चाहेंगे सर, पोस्टर में तो लग रहा है कि बहुत ही एकदम मार धाड़ वाली होगी, एकदम बिल्कुल बड़ी बता रहे रोमांटिक वगैरह है, क्या है मार धाड़ के अलावा इसमें थोड़ा सा धार्मिक भी? धार्मिक है और नहीं, वो एक्चुअली धार्मिक त्रिपुर का वो नहीं है, वो मारने के लिए एक्चुअली, जब वक्त पे ना किसी भी इंसान को कुछ भी मिल सकता है तो वो मार सकता है, उससे भाला मिल जाएगा भाले से मारेगा, त्रिशूल मिल जाएगा त्रिशूल से मारेगा, तो वो कोई धार्मिक नहीं है, वो उनको क्या हुआ ना कि हमारे ओमकारा को टाइम से त्रिशूल मिल गया तो उन्होंने त्रिशूल उठा लिया मारने के लिए। सर क्या इसमें कुछ नया क्रिएटिविटी दिखाने वाले हैं? सबसे पहले यहाँ पे मीडिया के जितने भी लोग हमारे आए हैं, दोस्त हैं, सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। इससे पहले 3 महीना पहले मैं प्रिंस जी के साथ एक फिल्म की थी, फिल्म का नाम है नरसिम्हा, जो आप लोग उसका देखे ही सब। ओंकारा जो है ये भी इनका टाइटल है, तो इसमें भी हमारा जो स्टाइल है, टेस्ट है, कमर्शियल है, पब्लिक के बीच में है, और ये कैरेक्टर नेम से है जिसको हम अपने सिनेमा में हर तरह से उसको पिरोते हैं, तो हमारा एक्शन, गाना और डायलॉग 3 से पब्लिक जानती है, उसी हिसाब से बना रहा हूँ। और कहानी का पूरा जो सार है, तो आप लोग जैसे पहले वेट करते आ रहे हैं, बस 1 महीने के बाद तो सब राज खुल ही जाएगा। शूट कहाँ कहाँ करवाते हैं? इसका शूट आज मुहूर्त है, इसके बाद हम लोग करेंगे यूपी के लगभग 15-16 लोकेशन है जो देख के आया हूँ मैं। आज तो शूटिंग कर रहे हैं? हाँ, जो आज भी जो है ये गाना जो है प्रमोशनल सॉन्ग है फिल्म का, और काफ़ी लोगों ने बनते बनते ही मतलब काफ़ी सराहा है, बाकी नेता जनार्दन है, पब्लिक अब तक आशीर्वाद देते आई है, जो उम्मीद है कि ये भी आशीर्वाद मिले। सर थोड़ा सा कहानी पर बता दीजिए, किस तरह की कहानी होगी, क्योंकि पोस्टर देख के बिल्कुल अलग ही लग रहा है, लग नहीं रहा है कि किसी भोजपुरी फिल्म का पोस्टर है। लेकिन क्या है ना, कन्फ्यूजन जब तक नहीं होगा तब तक आदमी वेट नहीं करेगा, तो कन्फ्यूजन पोस्टर में नहीं है, ओंकारा है करेक्टर नेम है इनका, और इसमें हमारा हमेशा जो है दो ही चीज़ मैसेज रहता है, सत्य पे असत्य पे सत्य की विजय, अधर्म पे धर्म की विजय, तो मैसेज तो हमारा रहता ही है, वो तो मैसेज का ही एक समझिए कि पोस्टर है। जी सर, तो आपके स्टार कास्ट के बारे में क्या कहेंगे, अभी आपने सुन लिया इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप काम करेंगे? हमने जो एक्ट्रेस है रूपा सिंह, प्रिंस सिंह, उन दोनों के साथ में मैंने नरसिम्हा किया, तो अभी कुछ ही दिन में 14 जनवरी के बाद ट्रेलर हम लोग उसका लॉन्च कर रहे हैं, तो काम करने के लिए तो हम लोग इतने मतलब रहते हैं आपस में, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रहता है कि 9 का शिफ्ट 9 से 9 कब बजाता है पता नहीं चलता है, और अंडर टाइम अपना काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें बिल्कुल कहीं से सोचने का जगह ही नहीं है, तो हम जो सोचे हैं उससे पहले सब कुछ रेडी भेजा डायरेक्टर को, वो चीज़ अच्छा है, मतलब हर जगह से कॉन्फिडेंस अच्छा है। आज कौन है आपके, आज आज सस्पेंस रखना चाहते हैं कि आज की गाने में कौन आने वाली तरक्की करते हैं, आज जो हमारी बताना चाहते हैं, तो आज जो हमारी जो उससे पहले फिल्म आई थी पवन जी की क्रैक फाइटर, तो उसमें वो भी नायिका थी चांदनी सिंह, तो चांदनी सिंह जी का जो है ये प्रमोशनल सॉन्ग है प्रिंस सिंह जी के साथ, तो क्रैक फाइटर में गाना जब जब सरिया पहनी वही है इनके साथ, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, नेचर भाई काम भाई बहुत कूल भी है, और काम अपना टाइम से करके निकलती है। मैडम ये बारे में बात की जाए तो जी के बारे में एज एक्टर भी आपने काम किया है, क्या कहना चाहे एज एक्टर कहते हैं?
लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जिसके पास हमारे पास शब्द ही नहीं है, तो मैं बोलूँ कैसे। तो इनके साथ में जो काम किया हमने, उनका तजुर्बा यही है कि मतलब इनका मैंने नाम भी रखा एनर्जी बम। तो एनर्जी बम की तरह खुद ही जो है पूरी टीम को लेकर हमारे साथ में लगे रहते हैं कि भाई भैया टाइम से काम कंप्लीट कीजिए। प्रोड्यूसर की तरफ इनका भी काफ़ी मतलब ये रहता है कि प्रोड्यूसर का जो पैसा है वो सेफ हो, टाइम पे रिटर्न हो। तो अगर ऐसे एक्टर के अंदर भावना सब एक्टरों में अगर आ जाए तो इंडस्ट्री का जो मतलब स्थिति है और मजबूत हो जाएगी। आप जो कैरेक्टर क्रिएट करते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट करना, उसमें कितना आप संतुष्ट होते हैं, कितना मेहनत करने को? डिजाइन तो हम लोग पहले कर लेते हैं बनने से पहले। तो डिजाइन से पहले अपने कैसा है कि कोई चीज़ डिजाइन करता हूँ तो हमारी टीम है, तो टीम के आप भी एक हिस्से। आपको ही बोलता है राम बाबू चीज़ कैसा लगा, तो बहुत अच्छा है। तो जब चार लोगों ने अच्छा बोल दिया तो वही हमारे दर्शक। तो कोई भी चीज़ डिजाइन होता है चाहे गाने कुछ भी हो तो हमारी टीम बैठे करती है। और हमारे जो इसमें कहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं या बाहर खड़े हैं, बीरू ठाकुर है जो बीरू भाई राइटिंग के साथ साथ उनका काफ़ी कोऑर्डिनेशन रहता है डिजाइनिंग में। हमारे सब टीम जो है हर एक काम के पीछे, मतलब प्रोफेशनल अलग है तो टीम के जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे कैमरामैन हैं जीतू भाई है, राइटर है बीरू जी है, इस सारे लोग का कोऑर्डिनेशन रहता है एक दूसरे के काम में। इंटरफेरेंस नहीं रहता है लेकिन कोऑर्डिनेशन सबको रहता है। जी चलिए प्रिंस जी, आज जो है आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्टर बड़ा दमदार, एकदम एक अलग लुक नजर आ रहा है आपका, तो कितनी तैयारी है, बॉडी वॉडी छुपा दी हमारे कैमरे में नहीं? नमस्ते प्रणाम, हम प्रिंस सिंह राजपूत। हमारे जितने भोजपुरी समाज है, भोजपुरी दर्शक है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, मैं सबको सलाम करता हूँ। बोलिए सर, बॉडी वगैरह छुपा दिए है कि फिल्म की तैयारी कुछ लगता है खासी है, क्योंकि इसमें जो बॉडी आप दिखा रहे हैं वो हमें नहीं दिखा रहे हैं, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? ये मेरा खासियत रहते हैं कभी बॉडी में पर्दे पे दिखाता हुआ, ऐसे बहुत मैं सिंपल रहता हूँ भैया, बिल्कुल कोई तो अभी नहीं पाता है कि हीरो है। कभी कभी तो टेक्नीशियन और स्पोर्ट बॉय कहते हैं कि भैया आप हीरो हैं, इधर बैठ गए नीचे। तो मेरे को पर्दे पे जो देखता, हमारे दर्शक जो देखते हैं पर्दे पे दिखाता हूँ वही। क्या तैयारी इस फिल्म में आपने करके रखी है कि आप ओमकारा बनने जा रहे हैं, अलग एक किरदार होगा, और सर आपसे फिर जो चीज़ करवाने वाले हैं, तो क्या है इसके अंदर? जी सबसे पहले तो जब से हमारी ये टीम एक जुड़ी है नरसिम्हा से, तो हम लोग नरसिम्हा करने के बाद ये पूरा तैयारी कर लिए ओमकारा का। जब हम लोग प्रॉपर ढंग से तैयार हो गए तब जाके हम लोग लॉन्चमेंट किए और शूट किए हर तरह से। एक फुल कमर्शियल फिल्म है, एक्शन माने हर चीज़ है इसमें एक्शन, क्योंकि बीरू भाई लिखते हैं वो कमाल के लिखते हैं, माने ये सीन के बाद क्या है, उसके बाद से क्या है, क्लाइमेक्स में क्या है, वो जितना अच्छा लिखते हैं उससे बेटर सुजीत जी उसको सजा देते हैं। उनका जो जब गाड़ी चलती है राइटिंग का, तो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तीन जगह चलता है, तो सारे टेस्ट उसमें रहते हैं। तो हम लोग नरसिम्हा करने के बाद उस टाइम से मेरा प्रोसेस ओमकारा का चल रहा है, जब पूरा हर चीज कन्फर्म हो गया तब हम लोग जाके, हम लोग का एक आदत है कि माने मुहूर्त हम लोग नहीं करते, मुहूर्त के साथ ही शूट करते हैं। एक ओमकारा चल रहा है, इसके बाद भी ये शूटिंग के दौरान भी हमारा वास्तव का पूरा प्री प्लानिंग मैंने चल रहा है। वास्तव है एक और बहुत बड़ा टाइटल अभी नाम मैं लूँ उसका, मेरा चल रहा है। तो हम लोग वर्क करते हैं भोजपुरी में, मैं साल में दो ही तीन फिल्म करूंगा, लेकिन उस पर हर चीज़ गेटअप कंसेप्ट हर चीज़ करके अच्छा सरिया करेंगे। अब पूरी में टीम लेके चलता है, हमारे स्पोर्ट बॉय है, उस पूरी टीम पूछे हम लोग किए हैं काम, जब तक वो खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं खाना नहीं, सबके रूम में जाके पूछता हूँ। अभी मैंने दो फिल्में छोड़ा, अभी मैं पूछा कि भैया क्या है, सबसे पहले मैंने कहाँ शूट करते, बिहार में हम लोग क्या है वहाँ, मैंने किस क्या है वो, तो बोले कि वहाँ के एक लोग है, वो लोग बोले हैं कि वहाँ सारा रहना खाना व्यवस्था है। हम लोग उसके अलावा मैं तू सुना है, हम लोग हम नहीं जाए, हम तो निकल जाएंगे लेकिन जो हमारी टीम जाएगी, जो हमारी यूनिट जाएगी वो फंस जाएंगे, तो इसी फिल्म हमको नहीं करना है हम लोग। जी प्रोड्यूसर हैं आपके पास बैठे हैं, क्या उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे वो आपके ऊपर जो है? प्रोड्यूसर आपसे इतना खुश हो गई है कि परमानेंट आपको अपना हीरो बना रहे हैं कंपनी में, आपको एकदम उनका क्या कर दी है? ये मेरा सौभाग्य की बात है, और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा वो है कि एक अभिनेत्री रह चुकी है शिखा जी, बड़ी फिल्म बनाई है, और मैंने एक औरत होकर फिर से भोजपुरी फिल्म कम मैंने बार बार बना रहे ना जी भोजपुरी के लिए। अच्छा प्रिंस जी, आपको नहीं लगता है कि मैम के साथ भी एक पिक्चर कर रहे हैं? करेंगे अभी।
अभी 4-5 महीना बाद एक बहुत बड़ा हम लोग खुशखबरी देंगे। 5 महीना बाद बहुत बड़ा धमाका, बहुत मैंने इससे भी बड़ा धमाका। भोजपुरी हो गया? नहीं, भोजपुरी ही। मैडम के बारे में कहेंगे, आपके साथ काम कर रहे हैं मैडम, तो क्या तैयारी चल रही है इनके? पहले से कुछ तैयारी हुई है कि इस तरह से हम इनका केमिस्ट्री बनेगी हमारी फिल्म? हाँ, ये अब सुजीत भैया बता पाएंगे क्योंकि इन्होंने ही सिलेक्ट किया है। हमारा कुछ हीरोइन के मामले में कुछ लिया नहीं रहता है। विलेन उलन रहते हैं, मैं विलेन जो रहते हैं थोड़ा सा मैं बोलूँगी, हीरोइनों में सारा सुजीत भैया ऑल, मतलब खाली मैं सजेशन देता हूँ, खाली एक दो विलेन अच्छा करेक्टर के जो हमारे करीबी रहते हैं, नहीं तो बाकी हमारा कुछ नहीं रहता। बहुत कम ऐसे हीरो है जो हीरोइन को चुनने के लिए डायरेक्टर को देते हैं। तो क्या है, सजेशन देना अलग बात है, लेकिन काम तो डायरेक्टर का ही है। कहानी जो मतलब दिमाग में कहानी डायरेक्टर रखे हुए हैं, उसमें हीरोइन से कोई भी कास्टिंग हो, तो अपने लोग है, टीम है, एक सजेशन होता है उसमें अच्छा होता है, हम लोग करते हैं। और रूपा जी के बारे में जो है हमने काम किया है, चारबाज को भी पहले मैंने किया, तो उसमें कहीं से भी ये नहीं। और इसमें जो इनका जो करेक्टर है बहुत अच्छा है, जो पर्दे पे आप लोग देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बोलेंगे नहीं आपका सिलेक्शन सही। मैडम आप बताइए फिर, आप बता दिया सर ने कि पर्दे में कुछ अलग करेक्टर है, आप अपने बारे में बताइए लोगों को। पहले आपको भी सवाल करना, मैं यही बताना चाहूँगी अंकारा फिल्म मुझे मिली है, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, बहुत बड़ा टाइटल है और सुजीत सर के साथ काम करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी दोस्त, हमारी जो फ्रेंड सुखा मिश्रा, वो प्रोड्यूस कर रही है और एक महिला होने के नाते वो चीज़ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी एक लड़की हूँ और एक लड़की इस चीज़ को प्रेजेंट कर रही है और इसकी निर्माती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि वो हम दोनों एक दूसरे का चीज़ समझेंगे। और सर के साथ काम करने में ना बहुत मज़ा आता है, मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है और ऐसा नहीं होता है कि बहुत ओवरलोड काम में, मतलब कितना भी काम कराते हैं पता ही नहीं चलता हमने कब काम खत्म, क्योंकि बहुत प्यार से काम करवाते हैं, पता ही नहीं चलता है दिक्कत है, बिल्कुल लगता ही नहीं। सर के बारे में क्या कहेंगे आपके साथ जोड़ी आपकी जुड़ने वाली है? आप और जोड़ी जोड़ी वाली जी, तो हमारे घर का बरामदा है वही है जो हमें हिट ब्लॉक कर सकते हैं, कभी भी प्यार नहीं था, बस यही चाहूँगी जैसे इतने दिन से प्यार देते आए हैं आगे जैसे प्यार देते हैं। प्रिंस जी के और डायरेक्टर जी के बारे में क्या कहना है आपका? आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, हम सबकी ट्यूनिंग अच्छी है, पूरी यूनिट हमारी नहीं केवल पूरी यूनिट की ट्यूनिंग बहुत हमारे अच्छी है। जितने टेक्नीशियन है इतना सपोर्ट करते हैं भैया कि मैं क्या बताऊं। क्या जी? अच्छा सुजीत सर, प्रोड्यूसर के पीछे एक बहुत बड़े शख्स का हाथ है, उनका कितना सहयोग रहता है इस फिल्म को कम्प्लीट करने में? वो पर्दे में बहुत कम आते हैं। देखिए हमारे जो भाई है, अजीज दोस्त हैं, जो शिखा जी के पीछे खड़े हैं, महेंद्र जी हैं, उन्होंने काफ़ी देवन पहले दिन बोल दिया कि आप पिक्चर अच्छी बनाई है, पैसा चाहे जितना लगे पिक्चर अच्छी बननी चाहिए, तो जब उन्होंने ये वर्ड दे दिया है मुझे पैसा भी देखना है और पिक्चर भी देखना है, उनके तरफ से 1000% कॉपरेशन मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं महेंद्र जी से गुजारिश करूंगा आए कुछ मीडिया के सामने दो शब्द कहे। डायरेक्टर के बारे में तो मैं अगर तारीफ करूं तो शायद कम ही होगी, और पब्लिक जानती है कि हाँ डायरेक्टर का एक लेवल क्या है इनका, और मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रहा प्रिंस जी का, तो प्रिंस जी भी आज की डेट में जो मूवी इनकी अभी पिछले मैंने एक टीजर देखा था इनका, जो कि काफ़ी अच्छा, और नरसिम्हा का शूट किया है इन्होंने, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि वो फिल्म बहुत अच्छी हिट जाए। और शिखा जी के बारे में तो सब पहले से ही सब लोग जानते हैं कि हमारी अच्छी धर्म पत्नी भी हैं और साथ साथ अच्छी एक बिजनेस वूमेन भी हैं। हीरोइन के बारे में भी बता दीजिए। अब रूपा हीरोइन के बारे में देखिए, डरने की जरूरत नहीं, तारीफ कर सकते हैं क्योंकि दोनों दोस्त हैं, बता रहे हैं वो तो हमारी ताली है, तो इसलिए अब उनके बारे में मैं मतलब तारीफ करूँ तो घर के अपना शिखा ग्लोबल इंटरटेनमेंट कंपनी यार।
तिखा ग्लोबल एंटरटेनमेंट के बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमारी कॉरपोरेट भी कंपनियाँ हैं और सारी कंपनियों का हमारा एक ही है तिखा ग्लोबल जो है, ये हम चाहते हैं कि तिखा का जो नाम है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो। वाह। और उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि जो भी हम अच्छा होगा वो करते रहेंगे फ्यूचर में लोगों के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि जो पब्लिक और जो आज की बेटी बहन महिलाएं जो भी हैं तिखा जी के नाम को, मतलब जब आए तो ये बोले कि हाँ इन्होंने कोई अच्छी चीज़ बनाई है और हमेशा ये अच्छी चीज़ लेके आए हैं। और हालांकि सुजीत जी भी उस पर काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं कि जो ये चीज़ को उनके साथ में खड़े रहेंगे। और प्रिंस जी तो ऑलमोस्ट हमारे भाई हैं और हमेशा वो साथ में हैं हमारे। अच्छा एक चीज़ और सर कि आपने बहुत सारी फिल्में बना दी मसाला आपकी पर्सनैलिटी देखिए, कभी तिखा जी और आप किसी पर्दे पे आ सकते हैं? सोचेंगे कभी अगर मौका मिला तो जरूर हम और तिखा जी एक बार प्रिंस और सब साथ में ही आएंगे। डायरेक्टर साहब भी यही थे सर, कुछ अच्छी से कहानी लिखेंगे। मैंने बोला ना कि 5 महीने बाद बहुत बड़ा एक धमाका होने वाला है। हो गया खुलासा। सुनिए ना, आए बच्चे भी रहेंगे वो भी सीन में रहेंगे। चंद दिनों की बात है ठीक है, इसके बाद हम साथ में और दो लोग के साथ बैठेंगे। चांदनी जी आई हैं, ले लीजिए। और सुजीत सर के साथ पहले भी काम की थी क्रेक फाइटर, जो मुझे एक नया नाम मिला, बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा क्रेक फाइटर में एक सॉन्ग करके, तो सुजीत सर के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत हैप्पी हूँ। आप साड़ी वाला गाना हिट होता इसके लिए आप मुझे वापस आ सकते हैं। सुजीत भी अगर चॉइस है। एक महिला प्रोड्यूसर बनकर फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको इस महिला सशक्तिकरण को देख के, एक मजबूती को देख के अब हीरोइन से फिल्में बनाने लगी? बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, और पहली बार मैं सीता मैम से मिल रही हूँ तो अच्छा लगा और आगे भी चाहूँगी काम करूँ। कैसे इस गाने में बहुत धमाकेदार गाना है, हमने तो सुन लिया, दर्शकों को सुनने मिलेगा एक आध हफ्ते या एक महीने के बाद, तो क्या तैयारी है, मास्टर जी के बारे में क्या कहेंगे, जब पहले से कुछ आपको कुछ इस तरह का स्टेप दिया है कि कुछ नया मास्टर? अभी तो नहीं, अब शूट करेंगे तो फिर समझ में आएगा, और सुजीत सर का चॉइस तो हिट तो होना ही है। बाहुबली है, अभी नरसिम्हा के अवतार में और तारा के अवतार में नजर आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? लाल लाल ड्रेस क्या कम्युनिकेट कर रहा है? अचानक वही आपके फोन पे बात हुई थी आपकी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो काम करेंगे हम लोग साथ में, पहली बार काम कर रहे हैं अच्छा ही है, और मिले पहली बार ही हम लोग मिले तो अच्छा लगा। रूपा जी तुम्हें हीरोइन है इनके बारे में? पूरी फिल्म की टीम के लिए क्या शुभकामना दे सकते हैं? सबके लिए अच्छी फिल्म है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है और सॉन्ग एक से एक सॉन्ग है।